अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई नॉन स्टॉप लर्निंग पोर्टल। लास्ट टॉपिक में हमने फ़िल्टर के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के हम टॉपिक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम स्टडी करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये होती है कि हमें कुछ ग्राफिकली व्यू के या कलरिंग इफेक्ट्स की मदद से हमें अपने डाटे को समझने और समझाने में मदद फ्राहम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट्स को हमने के रिकॉर्ड को हमने सेलेक्ट किया। हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि जो लेस देन 40 वाला स्टूडेंट होता है वो फेल हो जाता है। तो अब जैसे ही कोई फेल स्टूडेंट हो, हमें उसके रिकॉर्ड के बारे में हमें वो बता दे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट रूल है। हाईलाइट रूल में हम लेस देन, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि लेस देन हम शो करवाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि लेस देन, अगर कोई भी डाटा, कोई भी स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 40 हों, यानी कि इट्स मीन वो हमारे पास फेल है, तो वो कलर उसका क्या कर दिया जाए, रेड कलर उसको शो कर दिया जाए। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करने के बाद ये देखें, अब मेरे पास इस डाटे के अंदर ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये देखें 30, 35, और ये लोग जो हैं, ये अपने फरहान जो है वो साइंस में फेल है, फ्रास साइंस में फेल है, फिर उसके बाद कामरान जो है वो मैथ्स में फेल है, और ये स्टूडेंट हमारे मैथ में फेल है। और हमने पूरे एक डाटे को सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। अगर ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 33 मार्क्स करता हूँ, इंटर में कहता हूँ उसके मार्क्स चेंज हुए हैं, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या करता है कि ये हमारे डाटे को, फेल स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली हमारे सामने शो कर देगा कि ये स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं फॉर्मेटिंग को ख़त्म करूँगा, मैंने इसी के ऊपर फॉर्म करना है, मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ उसको यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ये कहते हैं ग्रेटर देन का ऑप्शन आ जाती है, मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ उन स्टूडेंट्स के ग्रेटर देन जिन स्टूडेंट्स ने 80 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं जिस जिस भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, उनको क्या कले कलर के कहते हैं वो येलो कर दें। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये कलरिंग इफेक्ट परफॉर्म हो गए। ये जिसने 80 से ऊपर मार्क्स लिए, अब देखें 80 जो है ये इसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कहा कि ग्रेटर देन 80 मार्क्स हों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 79 करते हैं तो फिर ये कहते हैं 80 को भी इंक्लूड कर देगा, तो इन स्टूडेंट्स को मार्क्स सेलेक्ट करके दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके कहते हैं 88 मार्क्स करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली मुझे डाटे में से देखते ही पता चल जाएगा कौन से लोग हैं जिनके 80 में से प्लस मार्क्स हैं। हम आते हैं दोबारा, हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब मैंने डाटे को सिलेक्ट किया, इसी तरह मेरे पास ग्रेटर देन के बाद मेरे पास ये कहते हैं बिटवीन। अब मैं कहता हूँ मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाएं जिनके मार्क्स जो हैं वो 50 से 80 के दरमियान में, 50 और 80 के दरमियान में जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर, आप वो स्टूडेंट में दिखाएँ। ये देखें वो लोग हैं जिन्होंने 50 to 80 मार्क्स लिए हैं, यानी कि ये एवरेज स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके कलरिंग इफेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस बिटवीन के रूल में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 to 80, ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर इफेक्ट जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, और मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें ये वो स्टूडेंट है जो कि एवरेज स्टूडेंट है पूरे डाटा में से, मैं बता दिया जिन्होंने 50 to 80 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह करके हम अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर, और इसकी फॉर्मेटिंग को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, अपने टोटल के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, ये हमें इक्वल टू से, हम जिससे हमने कंडीशनल फॉर्मेट फिल्टर के अंदर भी हमने देखा ये उसी तरीके से हमारे परफॉर्म कर रही होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू में यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, मैं कहता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टू का फंक्शन ही परफॉर्म होगा। हम यहाँ पे थोड़े से कुछ और फंक्शंस के हम दिखा देते हैं। जैसे हम टॉप टू बॉटम, हम टैप 10 को हम स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो टॉप 3 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम अपनी मर्ज़ी से भी कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कस्टम पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम कलर चूज़ कर लेते हैं ब्लू कलर चूज़ करते हैं और हम ओके कर देते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके किया। ये देखें जो टॉप 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हमें कलर
कलरिंग इफेक्ट्स के हवाले से हमें इसने बता दिया कि ये टॉप थ्री स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के हकदार हैं। यहाँ पे आते हैं, हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये कहते हैं टॉप टू बॉटम है, फिर बॉटम हम लास्ट बॉटम पे भी हम देख सकते हैं बिलो द एवरेज। इसी तरीके से आप इसको वन बाय वन करके आप तमाम ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डाटा बार के ज़रिए आप देखें जिस पे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको चूज़ किया, ये हमारा डाटा बार के ज़रिए देखें जिसने जितने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उतने ज़्यादा उसकी ये कहते हैं रेटिंग हाई हुई है। इसके बाद हम क्या कहते हैं डाटा बार्स के हवाले से हम डिफरेंट कलरिंग इफेक्ट्स के हवाले से हम देख सकते हैं, डिफरेंट कलरिंग इफेक्ट हम डाल सकते हैं। इसके बाद कलर स्केलिंग आ जाती है हमारे पास, देखें सबसे ज़्यादा जिसने मार्क्स लिए हुए हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं, और उनसे कम कलरिंग शेड के हवाले से क्या कहते हैं हमारे पास डाटा को शो कर रहा होता है। आइकन सेट अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम इसको चूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट्स के कहते हैं जिनके हायर मार्क्स हैं, हायर रेंज में मार्क्स आ रहे हैं उनको ग्रीन कलर और अप एरो है। ठीक है, जिसके इक्वल एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उनके ये कहते हैं ये हैं, और जिनके कहते हैं बिलो द एवरेज मार्क्स हैं उनको ये कलर सेट इन्होंने दे दिए। इसी तरह कलर सेट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट के कहते हैं ऑप्शन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल्स के वाले से अगर हम बात करें तो ये देखें इसके जितने ज़्यादा के कहते हैं मार्क्स हैं उतने ज़्यादा के कहते हैं उसको सिग्नल दे रहे हैं।